जी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बेबी कैम कैमरे का तरीक़ाकार कंप्लीट सेटिंग में बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर। आपने वीडियो को गौर से देखना है, शुरू से लेकर एंड तक देखना है। ये कैमरा छोटा सा कैमरा है, आप इसको कहीं भी छुपा के लगा सकते हैं। आज मैं पूरे डिटेल के साथ बताऊँगा इस वीडियो के अंदर, तो आपने वीडियो को गौर से देखना है, शुरू से लेकर एंड तक देखना है ताकि आपको सही समझ आ सके। और चैनल को सब्सक्राइब करने और नोटिफिकेशन पे ऑन करना है ताकि आपको नई नई वीडियो बर वक्त मिलते रहे। ठीक है जी, तो यहाँ से मैंने पावर लगवा दिया, मैंने दूसरे चार्जर के साथ लगा दिया, पोर्टेबल चार्जर के साथ। तो ये वाला चार्जर मैंने यूज़ नहीं किया, आप इसी तरह का यूज़ कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया, अभी मैं इसको रिसेट मारूंगा। अक्सर लोग ये होते हैं कि पासवर्ड लगा होते हैं तो लोगों को पता नहीं होता यार ये तो शो नहीं कर रहा इसका सीरियल। तो यहाँ से मैं इसको सबसे पहले रिसेट मार देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसेट में मार देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है जी, इसका रिसेट कहाँ चला गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रिसेट आप देख सकते हैं साइड पे लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, इसी तरह का इसके साथ जो पेन होते हैं आपने 5-7 सेकंड तक दबा के रखना है। ये कह रहे कि रिस्टोर बैटरी हो गया, तो ये अभी इसका जो बैटरी था वो रिस्टोर हो चुके हैं। अभी मैं इसका आगे का लाइमल बता देता हूँ, आपने गौर करना है कि क्या तरीका मैं अपनाता हूँ। ठीक है जी, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है V380। इसी तरह का सिंपल एप्लीकेशन है, आपने डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड कर दिया, यहाँ से मैं इसको ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा आपने वेट करने ताकि ये आगे जा सके। तो यहाँ पे आप इसको रजिस्टर भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको थोड़ी देर पहले एक और वीडियो में मैंने इसको रजिस्टर करवाया है और इसका तरीक़ाकार सब कुछ है उस वीडियो के अंदर, वो लिंक मैं इस वीडियो के अंदर डालूँगा रजिस्ट्रेशन का, ताकि आपको समझ आ सके। तो अभी मैं रजिस्ट्रेशन की जगह पे नहीं जाता, मैनुअल तरीके के ऊपर जाता हूँ ताकि आपको समझ आ सके, क्योंकि अगर मैं उस सब तरफ जाऊँ तो आपका जो ध्यान है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। तो मैं इसको सबसे पहले ट्राई विद एन अकाउंट पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। और आपने सिंपल अभी क्या करना है, यहाँ पर आपने जाना है मोबाइल डेटा को बंद करने, अपनी मोबाइल की लोकेशन को ऑन करने, यहाँ पे मोबाइल लोकेशन ये ऑन करने और मोबाइल वाईफाई सिटी में अपने जाने। आप जब जाओगे तो यहाँ पे कैमरे के नीचे एक सीरियल नंबर लिखा होता है, आप देख सकते हैं हर कैमरे के अपने अपने सीरियल होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इधर शो कर रहे हैं, तो इसको मैंने क्लिक कर दिया, अभी देख सकते हैं इसका सीरियल अभी मेरे मोबाइल में कनेक्ट हो चुके हैं। अभी मेरा डेटा काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, इसका सीरियल इसके साथ हो गया। अभी मुझे सिर्फ इसी कैमरे की व्यू दिखाई देगा। इसका जो रेंज होता है मतलब 2.4, यहाँ से मतलब 15-20 मीटर की हदूद के अंदर इर्द गिर्द आप देख सकते हैं बगैर किसी इंटरनेट की। अगर इसको आप वाईफाई के साथ करोगे तो फिर पूरी दुनिया में आप इसको आसानी के साथ देख सकते हैं, लेकिन जो वाईफाई आप इसके साथ करोगे आपने उस वाईफाई को अन रखना है। तो ये यहाँ पर हो चुके हैं, यहाँ पर मैं बिक जाता हूँ। यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको स्क्रीन के ऊपर ऐसे उंगली रखना है, इसको स्क्रूल करना है ऐसे, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लिखा जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो आपने इसको छोड़ना है, यहाँ पे थोड़ा सा वापस बैक करना है, फिर दोबारा ट्राई करना है। अक्सर ये होते हैं एक बार में नहीं होता, दूसरे बारे में हो जाते हैं। यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, आप देख सकते हैं इसको मैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे इस कैमरे की जो डिस्प्ले है इधर आ रहे हैं, लेकिन इसको मैं प्ले कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने प्ले कर दिया तो मुझसे मांग रहे पासवर्ड, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल लेता हूँ admin123। आपने अपनी मर्ज़ी का भी डाल सकते हैं, अगर आपने नया इंस्टॉल करने हैं तो आप अपनी मर्ज़ी का डाल सकते हैं। अगर आपने पहले का डाला हुआ है तो आपने वही पासवर्ड इसके साथ डालने हैं, लेकिन वो सिंगल आपने डालना है, डबल नहीं। और दोबारा इसको देखना है ताकि आपको नज़र आ सके कि मैं पासवर्ड गलत नहीं डाल रहा। अक्सर लोग ये चीज़ इसको एडिट कर देते हैं यहाँ पे, तो
तो इस चीज़ को आपने छेड़ना नहीं है, ये यूज़र नेम है कंपनी की तरफ से होता है, अगर इसको छेड़ोगी तो ये कैमरा कनेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने ये कर लिया, अभी मैं बैक कर देता हूँ। यहाँ पे वो मुझसे मांग रही, इसको कन्फर्म कर दी, इसको कन्फर्म कर देता हूँ। अभी इसको प्ले कर दे, ये आज आ चुके हैं। तो इसको आप HD क्वालिटी में भी देख सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी चल रहे, ठीक है जी। तो यहाँ से आप बोल भी सकते हैं, यहाँ से इसको अलाउ कर दी ताकि आपको सुनाई दे। हेलो 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 हेलो, आप देख सकते हैं, ये देख डिस्प्ले आ रहे हैं ज़बरदस्त है, और इसके अंदर आप सुन भी सकते हैं। हेलो 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 हेलो, आप देख सकते हैं ये स्पीकर इसके पीछे लगा हुआ है, और इसको कहीं भी आप किसी लटका सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ, आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर IR भी लगी हुई है, इधर साइड पे IR भी लगी हुई है, ठीक है जी। यहाँ पे IR लगी हुई है, आप देख सकते हैं, ठीक है, ये साइड पे IR लगी हुई है। अगर देखा जाए अक्सर रात के अंधेरे में ये आपको दिखाई देगी, लेकिन अभी दिन की रोशनी में सही तरह नहीं दिखाई देते, ठीक है जी। तो ये तरीका हो चुके, अभी मैंने आपको इसका तरीकाकार बताना है कि इसको वाईफाई के साथ कैसे करना है। तो आपने सिंपल इसको बैक करना है यहाँ से, और यहाँ पे 3 डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको क्लिक करोगी। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने सेटिंग पे क्लिक करना है, सेटिंग में क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेटवर्क सिस्टम पे आना है, इसको क्लिक करना है। उसके बाद वाईफाई स्टेशन मोड में आने, नीचे आप देख सकते हैं। उसके बाद प्लीज सेलेक्ट वाईफाई पे क्लिक करना है, आप देख सकते हैं इसको आपको दिखाई दे रहे, ये ज़रा देख सकते हैं, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ वाईफाई पे, ठीक है जी। तो ये हो चुके, अभी सबसे ऊपर वाला आपका जो सा वाईफाई होगा आपका वही शो कर देगा, आप देख सकते हैं मेरा वाला वाईफाई ये है सबसे ऊपर वाला। इसके ऊपर आपने पासवर्ड वही डालना है जो आपने अपनी वाईफाई को पासवर्ड दिया है, और ये ध्यान करने की पासवर्ड सही डाले कि गलत डाले। अभी मैंने एक अल्फाज बीच में छोड़े तो मैंने दोबारा एंटर कर दिया, ठीक है जी। तो ये आपने इसी तरीके से करने जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ से आपने सेव करने, अब वो कह रहे हैं कि वाईफाई कनेक्टेड कनेक्टिंग, तो अभी कनेक्टिंग हो रहे हैं, तो आपने थोड़ा सा वेट करना है। अब दोबारा आपको बताया कि वाईफाई कनेक्टेड हो चुके हैं, तो आपने थोड़ा सा वेट करना है। अभी जैसे कनेक्ट हो जाएगी तो यहाँ पे इसका सीरियल ख़त्म हो चुका, आप देख सकते हैं इसका जो सीरियल था ऊपर वो यहाँ से ख़त्म हो चुके हैं। अभी ऑलरेडी जो मेरा वाईफाई पीने से मेरा जो PTCL वाला वाईफाई है वो यहाँ पे आ जाएगा, और इसका कैमरे का जो सीरियल नंबर है वो ख़त्म हो जाएगा, वो वाईफाई के अंदर जम हो चुके हैं, ठीक है जी। तो हाँ, ये हो चुके हैं वाईफाई के साथ कनेक्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा वाईफाई ऊपर आ चुके हैं, ठीक है जी। तो ये वाईफाई के साथ हो चुके हैं, अभी चाहे जहाँ भी आप हो आप अपने मोबाइल डेटा के साथ इस तरह देख सकते हैं, आपने इस तरह का स्क्रॉल करना है, रिफ्रेश हो जाए, ठीक है जी। ये तरीका भी कर सकते हैं, और थोड़ा सा आप अगर बैक करना चाहे तो अच्छी बात है, आसानी के साथ हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ से दोबारा मैं इंटर हो रहा हूँ इसके अंदर, वही तरीका है ताकि आपको समझ आ सके। अक्सर ये होते हैं थोड़ा बहुत टाइम लेते हैं, नेटवर्क का मसला होते हैं, तो जल्दी हो जाते हैं। वैसे ये आ चुके हैं, तो अभी कभी कभार टाइम लेते हैं, मेरा वाईफाई का थोड़ा सा सिग्नल वीक था इस वजह से थोड़ा सा टाइम ले लिया। तो ये वाईफाई के साथ अभी कनेक्ट हो चुके हैं, तो मैंने आपको पहले बताया था कि इसका जो सीरियल नंबर है वो वाईफाई के अंदर जम हो चुके हैं, तो अभी इधर शो नहीं कर रहा। तो अक्सर लोग ये कहते कि यार ये तो काम ही नहीं कर रहा, इसका सीरियल कहाँ चला गया। तो यहाँ से फिर दोबारा जब रिसीट मारोगे यहाँ पे नीचे से आप देख सकते, यहाँ पे जो रिसीट बटन है यहाँ पे जब रिसीट 5-7 सेकंड तक दबा के रखोगे पेन से, तो ये दोबारा रिसीट हो जाएगी। तो फिर आपको दोबारा उसी तरीके से तरीक़ाकार करना जिस तरीके से मैंने कर लिया, ठीक है। तो इसका तरीक़ाकार हो चुके हैं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह इसका जो फंक्शन है वो मैं डालता रहूँगा, इसकी जो रिकॉर्ड सेटिंग वगैरह वगैरह, तो इंशाल्लाह आपका आपको अपडेट करते रहेंगे। शुक्रिया जी।